नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रांत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने इस YouTube चैनल पर। LDC इन BRO नाम का जो एक पोस्ट था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हुआ था। तकरीबन 700 कुछ लोग थे और उन सभी का फिज़िकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया है। 2 से 3 LDC के डिपार्टमेंट ऐसे थे जिनका कि स्टेट प्रेफरेंस हो चुका है, जैसे कि IB का था, ठीक है, शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ, 2-3 लोगों का मैसेज मेरे पास आया था। तो अगर वो भी लोग वीडियो देख रहे होंगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि इसका प्रेफरेंस स्टार्ट हो चुका है। और इसलिए मैंने एक ग्रुप बना भी रखा था व्हाट्सएप का, तो आप सभी उस चीज़ से कनेक्टेड नहीं थे, इसलिए मैं सोचा कि ये मैसेज मेरे पास एक स्वप्निल नाम के किसी सिलेक्टेड बंदे ने भेजा है, और तो इसलिए मैं इस PDF फाइल को आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप सभी का जिनका भी फिज़िकल टेस्ट होना है वो 5 मार्च को होने वाला है। सेंटर आपका GREF सेंटर डिगी कैंप पुणे 15 पे होने वाला है, ठीक है। और एक और बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि 5 मार्च को किसी भी तरीके से आपको वहाँ पहुँचना ही पहुँचना है। अगर आप इसमें किसी भी कारण से नहीं जा पाते हो तो आपने जो सीट हासिल कर रखा है वो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं बरतनी है। मैंने इसे इसलिए लेकर के आया हुआ है क्योंकि 700 प्लस लोग यहाँ पर हैं, ठीक है, बस यही देखते हुए। तो ये सबसे फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है। दूसरा में आपको दिख रहा होगा कि आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने नाम के समक्ष उल्लिखित तिथि को 8 बजे ग्रेफ केंद्र दिघी कैंप पुणे 15 में निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों मूल प्रति 6 छाया प्रति मतलब 6 फोटोकॉपी जो कि अनुप्रमाणन प्रपत्र के पृष्ठ संख्या 5 में दर्शाए गए अधिकारियों में से किसी एक अधिकारी द्वारा सत्यापित की गई हो, ठीक है। तो वो जो होते हैं मतलब कि गेजेट ऑफिसर, उनका साइन चाहिए होता है और उसके बारे में बताया गया यहाँ पर कहाँ पर से आपको लेके आना है, ठीक है। अटेस्टेशन फॉर्म में प्लीज़ बी डाउनलोडेड फ्रॉम BRO वेबसाइट www.bro.gov.in। मैंने हमेशा ही आप सभी को कह रखा है कि जिस डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हो उसका आपके पास उसका जो कि है आपके पास होना चाहिए आपका मोबाइल में साइट खुला हुआ, ठीक है। बट आप सभी तो उस चीज़ को करते नहीं हो, ठीक है। तो आपको इस साइट पर हम जा करके इस अटेस्टेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। साथ ही साथ फोटोग्राफ एट page number 1 मस्ट बी अटेस्टेड बाई एन ऑफिसर एज मैंसनड इन page 5। तो page number 5 पे दिया गया, तो आगे देखते हैं हम लोग फिर, ठीक है। फिर आपको प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के रूप में डोमिसाइल सर्टिफिकेट शोइंग परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस इश्यूड बाई द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन केस ऑफ गोरखास ऑफ इंडियन डोमिसाइल परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट इश्यूड बाई द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मतलब प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के रूप में आप सभी को आपका परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस लेकर के जाना है, मतलब उसका सर्टिफिकेट होता है, जाके बनवा सकते हो। बट अगर आप बिलोंग करते हो इंडियन डोमिसाइल गोरखास के अंदर तो आप परमानेंट रेजिडेंस सर्विस सर्टिफिकेट PRC होता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा उच्चारण करने में मतलब कि गलत हो जाएगा, तो प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा क्योंकि मैंने इसे पहले ही रीड करके नहीं ले करके आया हुआ, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ओरिजिनल मार्कशीट सबसे पहला, जो कि आपका क्लास 10th का होना चाहिए। फिर सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्ट्रीशियन फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट एंड हैविंग 1 ईयर एक्सपीरियंस एज इलेक्ट्रीशियन एंड अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विच वी हैव मेंशनड इन योर एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। आप अपना 12th का ही लेके जाओगे, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। फिर आपका होता है कास्ट सर्टिफिकेट के रूप में, तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट OBC या SC ST जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस पे लिखा हुआ होता है, और उस पर साफ साफ सच्ची लिखा हुआ होता है कि ये आप सेंट्रल गवर्नमेंट की नियुक्तियों में आप जारी दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका प्रूफ ऑफ मैरिज, कैंडिडेट्स हु आर मैरिड आर एडवाइज टू प्रोड्यूस मैरिज सर्टिफिकेट इश्यूड बाई अप्रोप्रिएट अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ इंडक्शन। तो मैरिज सर्टिफिकेट भी आपको लेकर के जाना है, और जो आपने एज रिलैक्सेशन ले रखा होगा तो उसके रिगार्डिंग भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। फिर एक्स सर्विसमैन का ये रहा। फिर आपका
एनओसी, इफ एनी इंडिविजुअल हैज अप्लाइड वाइल सर्विंग विद अदर डिपार्टमेंट ही शुड ब्रिंग ओरिजिनल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इश्यूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो एनओसी भी आपको लेकर के जाना है, प्लस फोटोग्राफ जो कि 10 होना चाहिए आप सभी के पास। फिर आपकी बात करते हैं थर्ड नंबर पॉइंट पे, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ऑल कैंडिडेट्स विल बी मेड टू अपीयर इन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड क्वालिफाइंग इन द टेस्ट इज एसेंशियल फॉर फर्दर अपीयरेंस इन मेडिकल एग्जामिनेशन। यू विल अंडरगो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट विच कंसिस्ट ऑफ 1 माइल रन। यू हैव टू कंप्लीट 1 माइल रन विद इन 10 मिनट्स, एल्स यू विल बी डिक्लेयर्ड फेल एंड योर डोजियर विल बी रिटर्न टू एसएससी। नो सेकंड चांस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स फॉर अपीयरिंग इन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो 10 मिनट में 1 मील दौड़ना है, ठीक है, कुछ बहुत बड़ा ये डिस्टेंस नहीं होता है, आराम से लोग पैदल भी क्लियर कर सकते हैं, तो ये कोई बहुत ही बड़ी भारी बात नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपको फेल कर दिया जाएगा और आपका डोजियर जो कि एसएससी को रिटर्न कर दिया जाएगा। तो मैं यही चीज़ कहूँगा, थोड़ा बहुत अगर आप लोग घर से बाहर नहीं निकलते हो तो अभी से समय आपके पास काफ़ी है, मतलब 20 दिन इधर हो गया और 2-3 दिन उधर, मतलब 20-22 दिन है आराम से, तो आप मेंटेन कर ले सकते हो। फिर आपका बात करते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन को लेकर के, दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द पीईटी विल अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द मेडिकल बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स फ्रॉम GREF और आर्म्ड फोर्सेस एट GREF सेंटर डीके कैंप पुणे 15। द फिजिकल स्टैंडर्ड्स एंड मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कैरिड आउट एज पर approved standard operating procedure for recruiting in this website. The same has already been uploaded on SSC website and as well as BRO website. तो मैं एक सिंपल सा इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, मैंने बताया था आप सभी को कि अगर आपका इतना भाई इतना आँख वगैरह है, मैंने उसमें क्लियरली इंडिकेट मैंने कर दिया था कि कुछ ऐसा कुछ हार्ड मेडिकल नहीं होता। अगर आपके पास बेसिकली आपका शरीर नॉर्मल कंडीशन में अगर आपका है तो आराम से आप वहाँ पर क्वालिफाई कर जाओगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बस ध्यान रहे कि 5 मार्च को पहुँचिएगा ज़रूर, टाइमिंग आपका 8 बजे है, सेंटर आपका दिया गया है, बस इतना ही काम बस कर लोगे आप, हो जाएगा आपका। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन में टेक अप्रोक्सीमेट 1 to 2 weeks टाइम। ड्यूरिंग दिस पीरियड यू विल हैव टू मेक ऑन अरेंजमेंट फॉर योर स्टे एंड फूड। ऑल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स योर जर्नी, लॉडजिंग और बोर्डिंग एंड फूड विल बी बोर्न बाय यू। सिंपल से यहाँ पे इंडिकेट किया गया है कि 1 से 2 सप्ताह आपका लग सकता है, इसलिए कमीशन ने आपसे ये रिक्वेस्ट किया है कि आप अपने रुकने के लिए, खाने पीने के लिए आप अपने बंदोबस्त खुद करोगे, ठीक है। तो 5 तारीख को अगर आपको रिपोर्ट करना, 4 तारीख को आप वहाँ पहुँच जाना, और पुणे वैसे ही थोड़ा सा कॉस्टली जगह है, तो फिर आप समझ सकते हो बाकी चीज़। कैंडिडेट इज़ हियर बाई एडवाइज टू ब्रिंग ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी ऑफ इस बैंक पासबुक, प्रिफरेबली SBI, along with चेकबुक, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड। मतलब यहाँ पे आपसे सब चीज़ मांगा गया है, चेकबुक आपका लेकर के आना, आधार कार्ड लेकर के आना, पैन कार्ड लेकर के आना, पासबुक हो सके तो SBI का लेकर आइएगा, प्रिफरेबली यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे बैंक का नहीं लेके जा सकते हो, लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिले इन रिक्रूटमेंट ड्यूरिंग द इनिशियल चेकिंग ऑफ योर एबव एसेंशियल डॉक्यूमेंट। इफ़ यू फेल प्रोड्यूस्ड एनी डॉक्यूमेंट और एनी लैक इज फाउंड इन देम, यू विल नॉट बी अलाउड टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन। सिंपल शब्दों में यहाँ पर ये चीज़ है कि अगर आपने किसी भी डॉक्यूमेंट को छोड़ दिया घर पे, तो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन देने के लिए नहीं दिया जाएगा, ठीक है, और इसके कारण आपका डिले हो सकता है। योर अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू प्रोड्यूसिंग ऑल एवर मेंशन्ड रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स एंड डिक्लेयरिंग फिट इन मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ठीक है, ट्रेनिंग आफ्टर अपॉइंटमेंट, इफ़ यू आर फाइनली अपॉइंटेड यू विल अंडरगो ट्रेनिंग एट GREF सेंटर डीजी कैंप पुणे 15 फॉर स्पेसिफाइड ड्यूरेशन। ये आपको मेडिकल पास करने के बाद बताया जाएगा कि आपका ऐसे सेंटर यहीं पे होगा ट्रेनिंग, GREF सेंटर डीजी कैंप पुणे 15 में ही, और ये आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा। कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर, इफ़ यू एबसेंट योर सेल्फ और फेल टू रिपोर्ट टाइमली फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन ऑन एग्जैक्ट टाइम डेट एंड वेन्यू स्पेसिफाइड बाई GREF योर कैंडिडेचर विल बी कैंसिल्ड। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता रखा था कि अगर आप इस दिन नहीं पहुंच पाते हो टाइमली तो आपका कैंसिल कर दिया जा सकता है। नो प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ डेट ऑफ प्राइमरी मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी एक्सेप्टेड और इंटरटेन्ड बाई GREF सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि आपका डेट जो कि चेंज नहीं हो सकता है,
इसलिए मैं एक बात आज मेरे दिमाग में आ रहा था, और प्लस बस एक कैंडिडेट ने मेरे पास इस चीज़ के बारे में मैसेज किया था कि इसका जो कि है आपका 5 तारीख से, अगर 5 मार्च से स्टार्ट है तो इसके बीच में किन्हीं स्टूडेंट का अगर SSC का एग्ज़ाम होगा CGL का तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते आप, आपको CGL का एग्ज़ाम छोड़ना पड़ेगा भाई, ठीक है? यही मैं कह सकता हूँ, भगवान करे कि आपका एग्ज़ाम 4 के पहले तक हो जाए, और ताकि आप आराम से 4 तारीख को शाम तक भी जो कि है आप पुणे पहुंच सकते हो बाई फ्लाइट, ठीक है? और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, और इससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। आप ना अपना एग्ज़ाम का डेट चेंज करवा सकते हो, और ना तो आप अपना इसे चेंज करवा सकते हो। यू आर टू ब्रिंग फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ योर्स फ्रॉम एनी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अप्रूव्ड CGHS और ECHS हॉस्पिटल और लेबोरेटरी। जो भी आपका गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल हो गया, तो फिर CGHS हॉस्पिटल जो कि होगा, अगर आपको CGHS हॉस्पिटल का नाम अगर जानना है, तो आपका DGHS का जो फॉर्म निकला हुआ था इस बार, वहाँ पर जाकर कुछ कुछ लिस्ट आपका है वहाँ पर देख सकते हो। और सिंपल सा चीज़ है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो भी चीज़ होगा वहाँ पर से जा करके भी आप इसे बनवा सकते हो। कौन कौन सा चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। CBC मुश्किल से 200-250 रुपये में बन जाएगा आपका। यूरिन REME एंड SPGR ये भी 300 के आसपास में बन जाएगा। और ब्लड ग्रुपिंग ये तो यार 200-250 में बन जाता है वैसे भी, ठीक है? तो मुश्किल से आपका मतलब 1000 मान के चलते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है? ऐसे इतना खर्च नहीं होने वाला है, क्योंकि आप सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे। मैंने ये जो रेट बताया प्राइवेट कंपनी बताया। द इन्वेस्टिगेशन शुड नॉट बी मोर देन 1 मंथ ऑर्डर फ्रॉम द डे ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। जिस दिन आपका मेडिकल का एग्ज़ाम है, ठीक है, मतलब सॉरी आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है, उसके 1 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अब आपको कुछ कुछ और भी चीज़ आपको सुनिश्चित कर लेना है। ऑल्सो इंश्योर डैट योर ईयर वैक्स इज क्लीन सो डैट योर ईयर ड्रम इज क्लियरली विजिबल ड्यूरिंग ईयर एग्जामिनेशन। ध्यान रखिएगा, जब मैंने एयरफोर्स का जब एग्ज़ाम जब दिया था, तो डॉक्टर से थोड़ी सी मिस्टेक किया हुई थी कि कान मेरा साफ करते वक्त उनसे मतलब कान मेरे अंदर छीला गया था उनसे, ठीक है? तो इसलिए कुछ अच्छे डॉक्टर से जाकर करवाइएगा। दोज हु यूज ग्लासेस फॉर विजन शुड ब्रिंग देम एज विजन। बोथ विथ एंड विदाउट ग्लासेस। बाकी आप यहाँ से A से लेकर के G नंबर पॉइंट तक आप पढ़ ले सकते हो, जो भी आपका लिखा हुआ, ठीक है? मैं एक एक करके मतलब स्क्रॉल कर देता हूँ, अगर आपका नाम होगा तो आप देख ले सकते हो, ठीक है? तो मैं एक एक करके स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। आप इसे चाहो तो इनके साइट पे जा करके भी डाउनलोड कर ले सकते हो, और अगर आपका नाम अगर होगा इसमें तो आपको दिख भी जाएगा। ये लिस्ट काफ़ी बड़ा है, 700 के करीब में इसमें लोग हैं, ठीक है? तो अगर आपका जैसे ही आपको देखना हो, तो आपका जो नेम जो आएगा, जैसे कि आप CR रीजन से बिलोंग करते हो, तो 32 से आपका कोड आपका होता, ठीक है? 32 और 30, तो यहाँ पे ये CR रीजन का ही हो रहा है। और सबको 5 तारीख को ही बुलाया गया, सबसे बड़ी बात। इसलिए बोला गया कि 1 से 2 सप्ताह लग सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे आपका टेस्ट भी होगा, ठीक है? स्टार्टिंग में तो वो लोग आपसे दौड़ ही करवाने वाले हैं। एंड चाहो तो आप इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हो। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पर लास्ट करता हूँ। आशा करूँगा कि ये वीडियो आप सभी को पसंद पड़ा हो। 759 कैंडिडेट थे यहाँ पर। एंड चलता हूँ मैं। थैंक यू, अटेंड, बाय बाय।